नमस्ते मैम। नमस्ते सर। कैसे हैं भाई? क्या लग रहा है सर, कैसे रहेंगे सर? फटे हुए कपड़े पहन कर आए इंडियन आइडल में, तो कैसे रहेंगे सर? दो वक्त की रोटी कमाने में ही हमें पूरा जिंदगी हमें गुजर जाता है, और ना ही सर ठीक से खा पाते हैं, ना ही ठीक से सो पाते हैं सर। गरीब है सर, क्या करें। नाम क्या है सर? मैं इससे पहले भी इंडियन आइडल में आया था, तो आपने पूछा था तो मैंने अपना नाम बताया था, लेकिन आप फिर पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ सर। हमारा नाम ज्ञानी यूट्यूबर है सर। अच्छा, कहाँ से आप? सर मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ सर। क्या स्टाइल में गाते हैं आप? सर हम गरीब लोग हैं सर, खाने के लिए खाना होता नहीं, तो स्टाइल कहाँ से लाएंगे सर। सर वैसे तो मैं सभी भाषा के गाने गा लेता हूँ, पर हमें हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और गायकी में इंटरेस्ट शुरुआत कहाँ से? मेरी गायकी सीखने से पीछे एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है सर। सर हम बहुत एक गरीब किसान के लड़के हैं, और सर गरीब की ज़िंदगी कोई समझ नहीं सकता सर। सर गरीब की ज़िंदगी वही समझ सकता है जो कि गरीब है सर। सर हमें कोई काम नहीं देता सर, क्योंकि हम नीच जाति से है सर, इसलिए हमें कोई काम नहीं देता सर। और कभी कभार कोई काम मिल भी जाता है सर, और जब कोई हमें हमसे कुछ गलती हो जाता है, जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ के मालिक लोग हमें बहुत ताना देते हैं सर, कभी कभी तो हमें गाली भी दे देते हैं सर। और सर हमें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, इसके कारण हमें ओवर टाइम दिनों रात करना पड़ता है सर काम, और जिस दिन सर काम नहीं कर पाते हैं उस दिन सर हमें भूखे ही सोना पड़ता है सर। और सर हम दिनों रात मेहनत कर कर के हमने कुछ पैसे जमा किए, पर हम गायकी सीखने जहाँ भी जाया करते थे हमें कोई नहीं सिखाता था सर। जहाँ भी जाते थे सर सब ज़्यादा ज़्यादा पैसा मांगता था, जो पैसे देने के बाद भी वो हमें अपने पास बिठा कर सिखाते नहीं थे, क्योंकि हम नीच जाति से थे सर। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुना रहे हो? नहीं सर, आज मैं अपनी माँ के लिए गाना गाऊंगा सर, क्योंकि जब हम अपने गांव में अपनी माँ के साथ रहते थे, लेकिन हमें मजबूरन गांव से हमें शहर आना पड़ा अपने काम के लिए, और मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है सर। और मैं खासकर उन लोगों के लिए गाना बनाया हूँ जिनकी माएँ नहीं हैं सर, और उन लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जिनके माँ हैं वो अपनी माँ की कदर नहीं करते हैं। तो आज मैं उसी पर गाना गाऊँगा, अपनी एक प्यारी माँ के लिए गाना गाऊँगा सर मैं। चलिए सुनते हैं, पहले फिर बातचीत करते हैं। ओके सर, ओके। अचरा छोड़ के जल काहे दिहले, इतना दूर है माई, अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बुलाई, तोरा बिन जी कैसे, तोरा बिन जी कैसे, तोर बहु रहवार नाही, तोरा बिन जी कैसे, तोर बहु रहवार के मेला में काहे तू हमसे छुड़वले हाथ रे, हमरो के साथे ले ले चलते अपने साथ रे, दुनिया के मेला छोड़ा
हम रुक साथ ले ले चलते ले चलते अपने साथ रे खूंटा उखड़ गई बा गई यहाँ के खूंटा उखड़ गई बा गई यहाँ के अब रहुला कहा जाई खूंटा उखड़ गई बा गई यहाँ के अब बछड़ा कहा जाई तोरा बिन जी जी कैसे तोरे बऊ रहा माई तोरा बिन जी जी कैसे तोरे बऊ रहा माई वेरी गुड एक्स्ट्रॉर्डिनरी जब भी ये गाना कोई गाता है तो मुझे मेरे भाई की याद आ जाती आपको एक और जब चांस दिया तब आपने सुर टू सुर से अच्छे से गाया माई और उस बात के लिए मुझे ऐसा लगता है मैं एक और राउंड के लिए आपको चांस देना थैंक यू सो मच तोरा बिन जी जी कहीं से तोरे बहु रहा बारे माई नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार क्या नाम है आपका मैडम जी मेरा नाम ज्ञानी रील है कहाँ से आप सर मैं उत्तराखंड से आया हूँ सर उत्तराखंड क्या बात है सूरत जगह जी हाँ सर आप क्या करते सर मैं किसान हूँ और खेती बाड़ी करता हूँ सर आप किसान है जी हाँ सर मैं एक किसान हूँ क्या बात है कि भूलना था तो एक कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ चलो गाओ गाओ फिर से गाओ ये वाली लाइन नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज नमस्ते सर नमस्ते मैम नमस्कार क्या नाम है आप मैम मेरा नाम ज्ञानी है पर हमारे गांव में हमें सत्येंद्र जी के नाम से बुलाते हैं सत्येंद्र जी आप कहाँ से आए हैं मैं तो आया मुंबई से पर हमारा गाँव पड़ता उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव में वाओ आपने पहले कभी ऑडिशन दिया है नहीं मैम मेरा लाइफ का पहला ऑडिशन है ये अच्छा आपकी लाइफ का पहला आप किसी रियलिटी शो में ऑडिशन दे रहे हैं जी मैम पहली बार ऑडिशन दे रहे हैं तो अभी तक क्यों नहीं दिया आपने ऑडिशन मैम हमारे घर में हम लोग तीन भाई है पर शादी होते ही दोनों भाई छोड़ के चले गए इसलिए सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गया मैम हम लोग बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग हैं मैम
हम ही घर के अकेले कमाने वाले थे, इसलिए हम ऑडिशन नहीं दे पाए मैम। तो इस बार कैसे सोचा आपने कि ऑडिशन दें? सर, मेरी एक दोस्त थी जो हम लोग साथ में गाना गाया करते थे, पर हम गांव जाके गाना गाते थे और हमें सक्सेस कहीं नहीं मिलता था। तो आखिरी में वो मुझे छोड़ के चली गई और मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि मेरे साथ कोई गाना गाने के लिए नहीं था। सर, क्या बोला आपने? सर, हम जिसके साथ गाना गाते थे वो मुझे छोड़ के चली गई। सर, इससे घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। इट्स आई थिंक हम सब उस जगह से गुजर चुके हैं। ये जो दर्द है, मतलब जुदा होने का, ये कोई छोटा सा या मामूली दर्द तो नहीं होता। सो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। और बहुत ही निश्चिंत होके आज आप परफॉर्म कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कि भूलना था तो एक रात, क्या बात है, किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ दो सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आंसू मैंने, मेरी आंखों को भी बरसात का मौका दे दे। वही लाइन से एंड भी करेगा। भूलना रात किया ही क्यों था, कि बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ दो चार सवाल का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। जिस चीज को पूजते हैं ना, आज उसको सामने देखा है। साक्षात जिस चीज को मैं पूजता हूँ, म्यूजिक को, वो आप हो, खुद हो।
आपने दिल निकाल के मेरा ऐसे मतलब उसके यूं टुकड़े किए। श्रेया रो रही है, मैं रो रहा हूँ, मतलब हम मतलब ये आज मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक को मेरे मुझे दिल से सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि जिस सच्चाई से आपने आज गाया है और जो आप आज स्टेज पर ले आई है, मतलब मुझे हाय। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानी देव है। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर हम उत्तर प्रदेश एक छोटे से गांव से रहते हैं सर। वैसे तो मैं इंडिया से हूँ, लेकिन हमारा गांव उत्तर प्रदेश में है। और सर हम काम के बारे में आपको क्या बताऊँ सर, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ सर। हमारे पापा को कैंसर हो गया है सर, उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है सर। किसी तरह हमने गांव का घर बेच के सर अपने पापा का इलाज कराया, तो हमारे पापा को दोबारा ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोल दिए। अब उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है सर, इसलिए हमें मजदूरी करना पड़ता है सर। दिन भर सर हम मजदूरी करते हैं और शाम को सर हमें सिर्फ 50-40 रुपये मिलता है सर, उतने में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है सर। इसलिए हम रातों दिन काम करते हैं सर, अभी हमारे इलाज के लिए पैसे नहीं है सर। इसलिए हम इंडियन आइडल में आए हैं सर कि हमारा गाना अच्छा लगे, तो आप लोग मुझे कुछ पैसों की मदद कर देना सर, ताकि मैं अपने पापा का इलाज करा पाऊँ सर। हर वो कठिनाई सुनाई दी जिसने आपको ताकत दी है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा। सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुना?
उड़ा गुला मैं तेरी चुनरिया।